के पीपल आर सेलिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, आप में से कभी किसी ने फेसबुक की शॉप से कुछ खरीदा, फेसबुक के ग्रुप से कुछ खरीदा? इसका मतलब कि भाई वो फेसबुक मुझे खुद समझना चाहिए कि 99 रुपए में वो
टाइम की चीज की क्वालिटी नहीं होगी, सही है, वो 99 रुपए वाली क्वालिटी होगी, ऐसा ही होता है। तो ये कस्टमर को समझना है। इसी तरह मेरा कजन एक पावर बैंक लेकर करता था, सैमसंग लिखा हुआ होता था उसके ऊपर 800 रुपए। अब वो कह रहे हैं ज्यादातर वो लोग खरीदते हैं जो गाँव देहात में ना, उधर सैमसंग का पावर बैंक 800 रुपए में मिल रहा है, खरीद लिया, टेन पे रिटर्न वाली सारी चीजें। तो वो भी कह रहे हैं मतलब पागल ही ये लोग रिटर्न करा देते हैं, इनको नहीं पता कि 800 रुपए में ओरिजिनल नहीं होगा, रेप्लिका ही होगा। तो या तो बता के रेप्लिका, लेकिन ये कोई अगर ये बता दिया नहीं ना, तो देयर आर सम गैप्स और स्टिल वो गैप्स मार्केट के अंदर मौजूद है। स्टिल अगर मैं बात करूँ प्राइवेट लेबल इन लोकल मार्केट, तो देयर इज अ गैप इन प्राइवेट लेबल इन लोकल मार्केट। आपके एक ब्रांड स्टैंडर्ड स्टोरीज परफ्यूम का ब्रांड है, किस किस को पता है इसके बारे में, स्टैंडर्ड स्टोरीज किसी को नहीं पता, मुझे पता नहीं, एक को बड़ा सैंडल। अभी सैंडल स्टोरीज को 5-6 साल हो गए आए हैं, अभी भी देखें बहुत सारे लोगों को इसकी रीच नहीं है, जबकि अभी आज के बाद जाके देखिए आपके सोशल मीडिया में ना इसका एड्स दिखना आपको शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने नाम ले लिया और एल्गोरिथम में सुन लिया, सही है। तो अभी आपके पास सैंडल स्टोरीज के एड आना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली ये परफ्यूम के इंप्रेशन बनाते हैं, सही, और वो सेल करते हैं, और ये समझने पाकिस्तान का एक अगर परफ्यूम का ब्रांड है, अच्छा परफ्यूम का ब्रांड है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ये जब आए तो इनके थ्रू इनकी बड़ी अच्छी रीच हुई, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इन्होंने, मल्टीपल जगहों के ऊपर अपने स्टोर्स ओपन कर रही है, इस्लामाबाद में स्टोर ओपन कर रही है, UAE के अंदर स्टोर ओपन कर रही है। तो बेसिकली ये ब्रांड ने इंटरनेशनल चला दिया। ये सिर्फ एक परफ्यूम के ब्रांड की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का और जो परफ्यूम का ब्रांड है, जे डॉट परफ्यूम का ब्रांड नहीं है, जे डॉट ने भी बना ली, मेन प्रोडक्ट उसका परफ्यूम नहीं था, सही है, सही वो हो सकता है, सही। तो फिर भी कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे हमारे हमें फोन के ब्रांड्स के नाम याद, नोकिया, सैमसंग, सोनी, इस तरह का तो नहीं है कोई, फिर एक स्टूडेंट मेरा, उसने अभी ये कपड़ों का काम स्टार्ट किया, अनस्टिच क्लॉथ्स जो है इसका काम स्टार्ट किया, वो ऑनलाइन, सही। एक तो ये दुकान पे जाके काम ले ही रहे ऑनलाइन, ऑनलाइन की जो सबसे मुश्किल काम है ना ई कॉमर्स का, वो है ट्रस्ट। हम जब चीज़ को देखते हैं, हाथ लगाते हैं ना, जब ट्रस्ट होता है उस चीज़ को, और जब हम उस जब हम नहीं देख रहे होते तो ट्रस्ट नहीं होता। प्लस जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोग आवाज़ लगाते हैं, आ जाए भाई, आइए भाई, इस तरह करके आवाज़ लग रही होती है, वो बंदे को अपनी तरफ बुला ही देते हैं, बंदा चला ही जाता है, सही है, ऐसे ही होता है। इन ई कॉमर्स हम ऐसा बुला नहीं सकते, आवाज़ नहीं मार सकते। इसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट होता है, हमारा जो टाइटल होता है, हमारे जो बुलेट पॉइंट होते हैं, हमारी जो डिस्क्रिप्शन होती है, वो हमारा जो है मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। इसके अंदर वो जो बातें हम उसको बुला के करते हैं, वो बातें यहाँ से होती है, और वो जो बुलाने वाला एलिमेंट होता है, दैट इज अवर इमेज। हमारी इमेज जब वो कस्टमर को रोकती है, वो बुलाती है उसको। ये ई कॉमर्स और अगर लोकल की बात करें, फिजिकल बिजनेस की बात, इसके अंदर डिफरेंस है। अब अगर रीच की बात करें, तो ऑनलाइन बिजनेस की रीच और फिजिकल बिजनेस की रीच, इन दोनों की रीच में बड़ा फर्क है। अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं, तो वी कैन रीच मैक्सिमम पीपल एक ही जगह से बैठे, हम टारगेट कर सकते हैं बड़ी आवाम को, देयर इज नो टाइम लिमिट, टाइम की कोई लिमिट नहीं है कि भाई सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दुकान खुली थी, अब
बंद हो गई या मुझे कुछ चाहिए तो मैं बाई नहीं कर सकता। रात को 4 बजे भी कुछ याद आया ऑर्डर करूंगा, एक सर्टेन टाइम के अंदर डिलीवर हो जाएगा। एक और गैप है मार्केट के अंदर, उसको कहते हैं फास्ट कॉमर्स। आपने ऑर्डर किया प्लस एज सून एज पॉसिबल क्विक डिलीवरी हो गई, आप वहां से 8 तक टाइम लिखते थे, सही है। दिस इज द गैप इन मार्केट। ये वाला गैप मैंने अभी रिसेंटली मेडिकल इंडस्ट्री में देखा, दवाओं ने स्टार्ट कर दिया मल्टीपल ऑनलाइन मेडिकल स्टोर्स, जो कि आप जब उनको ऑर्डर करते हैं तो डिलीवर करते हैं, लेकिन वो भी 2-3 दिन का टाइम दे रहे हैं, 1-1 हफ्ते का टाइम दे रहे होते हैं। देयर इज अ गैप। यहाँ पे अगेन गैप आ गया। अब इफ समवन वांट्स टू कैप्चर द मार्केट, उसको क्या टारगेट कर रहे हैं, ये वाले गैप को खत्म करने डिलीवरी वाले गैप। तो हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं गैप मौजूद होता है, हमें देखना ही होता है कि क्या हम ये गैप फिल कर सकते हैं। इसी तरह एक और मार्केट है लॉन्ड्री इंडस्ट्री, सही है। देखिए आपने कितने लोगों को पसंद है अपने कपड़े प्रेस करना, कितने लोगों को नहीं पसंद आते कपड़े प्रेस करना, कितने लोगों को करने पड़ते हैं अपने कपड़े प्रेस, सही है। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन हो, कोई एक बंदा आए आपके घर से कपड़े लेके जाए और आपके घर पे वापस कपड़े छोड़ के जाए और वो आपसे चार्ज भी मिनिमल कर रहा हो, प्लस एक सर्टेन टाइम पॉइंट 1 हफ्ते के आपने उसको कपड़े दे दिए, उसने आपको लाके आपके घर पे दे दिए, क्या ये एक अच्छा सॉल्यूशन?